हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पुस्तक ऑनलाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पर्वत, पठार और मैदान से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें तथा इसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ऑन कर दें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर एक, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों के विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 26% हो जाएगा, यानी कि दोस्तों स्थल मंडल के 26% भाग पर पर्वत स्थित हैं। और पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊँचाई हिमालय की चोटी माउंट एवरेस्ट की है, जिसकी ऊँचाई 8848 मीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल के रूप में की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों पर्वत जो होते हैं वो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि 1% हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 1% जनसंख्या जो है वो पर्वतों पर निवास करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, पर्वत निर्माणक भूसन्निति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी कोबर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों वैज्ञानिक कोबर के द्वारा पर्वत निर्माणक भूसन्निति सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय WJ मॉर्गन को दिया जाता है, तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि 30 मिलियन वर्ष हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आज से 30 मिलियन वर्ष पूर्व भी विशाल वलित पर्वतों की रचना हुई थी। और वलित पर्वत दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत होते हैं जिन पर असंख्य अपनीतियाँ और अभिनीतियाँ होती हैं। हिमालय, आल्पस, यूराल, रॉकीज और एंडीज, ये सभी वलित पर्वत के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी यूराल पर्वतमाला हो जाएगा। दोस्तों यूराल पर्वतमाला और काकेशस पर्वतमाला जो है वो यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से पृथक करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, हिमालय पर्वतमाला निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि नवीन वलित पर्वत हो जाएगा। दोस्तों नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत ही हिमालय पर्वतमाला आती है। और वलित पर्वतमाला जो होती हैं वो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनती हैं। और हिमालय, आल्पस, यूराल, रॉकीज और एंडीज, ये सभी वलित पर्वत के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट, एंडीज पर्वतमाला का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी वलित पर्वत हो जाएगा, यानी कि दोस्तों एंडीज पर्वतमाला भी वलित पर्वतमाला का ही उदाहरण है। और एंडीज पर्वतमाला जो है वो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और एंडीज पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो एकांका गुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन, अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी फ्यूजियामा हो जाएगा। दोस्तों निम्न में से फ्यूजियामा अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा अरावली, अल्पेशियन, विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, ये सभी अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप ही अपशिष्ट पर्वत का निर्माण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मशोध पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों वोजेस, ब्लैक फॉरेस्ट और सियरा नेवादा, ये सभी ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण हैं। इसके अलावा साल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में है वो भी ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि हिमालय हो जाएगा। दोस्तों हिमालय एक वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय के अलावा आल्पस, यूराल, रॉकीज़ और एंडीज, ये सभी पर्वतमालाएँ भी फोल्ड माउंटेन यानी कि वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। और दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से वलित पर्वत बनते हैं। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी
ऊंचाई 8848 मीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि 33 सागर हो जाएगा। दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति 33 सागर के भूसन्निधि से हुई है, और हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिणी आल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी न्यूजीलैंड हो जाएगा। यानी कि दोस्तों दक्षिणी आल्पस श्रेणी न्यूजीलैंड में स्थित है, और आल्पस पर्वतमाला जो है वो इटली में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में माना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रॉकीज हो जाएगा। दोस्तों रॉकी पर्वतमाला को पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में माना जाता है, और रॉकी पर्वत जो है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विश्व के सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि एंडीज पर्वतमाला हो जाएगा। दोस्तों एंडीज पर्वतमाला जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और यह एक फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, और दोस्तों एंडीज पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो एकांका गुआ है। तो इससे आप याद रखेंगे कि एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वतमाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि अमेरिका हो जाएगा। दोस्तों अमेरिका में ही ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, पॉइंट पेड्रो निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी श्रीलंका हो जाएगा। दोस्तों पॉइंट पेड्रो जो है वो श्रीलंका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, और गॉडविन ऑस्टिन या K2 भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए एकांका गुआ हो जाएगा। यानी कि दोस्तों एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च जो चोटी है वो एकांका गुआ है, और एंडीज पर्वतमाला जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, और यह फोल्ड माउंटेन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी मैकिनले हो जाएगा। दोस्तों मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, और एवरेस्ट जो है वो हिमालय की सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी है, और एकांका गुआ एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, और एल्ब्रुस जो है वो यूरोप में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, पिरेनीज पर्वत किन किन देशों के बीच में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए फ्रांस और स्पेन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पिरेनीज जो पर्वत श्रेणी है वो फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है, और फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो कि सीन नदी के तट पर बसा हुआ है, और विश्व का सबसे सुंदर नगर पेरिस को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 33% हो जाएगा। यानी कि दोस्तों स्थलमंडल के 33% भाग पर पठार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 9% हो जाएगा। यानी कि दोस्तों विश्व की 9% जनसंख्या पठारी क्षेत्रों में निवास करती है, और विश्व की 1% जनसंख्या पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि अंतरपर्वतीय पठार हो जाएगा। दोस्तों जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं उन्हें अंतरपर्वतीय पठार कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, अंतरपर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए तिब्बत का पठार हो जाएगा। यानी कि दोस्तों तिब्बत का पठार जो है वो एक अंतरपर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है, और दोस्तों जो पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं उन्हें ही अंतरपर्वतीय पठार कहा जाता है,
पैटागोनिया, ब्राज़ील का पठार, बोलीविया का पठार, ये सभी अंतर पर्वतीय पठार हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, मैसेटा का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी स्पेन और पुर्तगाल हो जाएगा, यानी कि दोस्तों स्पेन और पुर्तगाल में मैसेटा का पठार स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 41% हो जाएगा, यानी कि दोस्तों स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के 41% भाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 90% हो जाएगा, यानी कि दोस्तों विश्व की कुल जनसंख्या का 90% हिस्सा मैदानों में निवास करता है और 1% हिस्सा पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करता है और 9% हिस्सा पठारों में निवास करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, संप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी नदी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों संप्राय मैदान का निर्माण नदी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, पैडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि पवन हो जाएगा, यानी कि दोस्तों पवन के द्वारा पैडी प्लेन मैदान का निर्माण होता है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से किस देश में लॉयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी कंबोडिया हो जाएगा, यानी कि दोस्तों न्यूजीलैंड, यूक्रेन, अर्जेंटीना, इन सभी में लॉयस के मैदान पाए जाते हैं और कंबोडिया में लॉयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे पर्वत पठार मैदान से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।